तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगुण नोएडा इंडिया से। तो महिंद्रा की जेलो है ये और डीजल इंजन है ये। अभी इसमें स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी। क्योंकि गाड़ी बिहार से, बिहार का नंबर है, गाड़ी बिहार से आ रही थी, कहीं जा रही थी। लखनऊ में इनकी गाड़ी जो है ना ब्रेक डाउन हो गया, बंद हो गई ऑटोमेटिक चलते चलते। फिर पास के मैकेनिक को इन्होंने बुलाया और गाड़ी बैटरी टो भी करी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये चेक करेंगे कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम आई क्यों और चलते चलते ऐसी दिक्कत क्यों हुई। क्योंकि लखनऊ से खींच के आ रही है गाड़ी हमारे पास, तो स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं क्या क्या फॉल्ट है। फॉल्ट तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद से ही काम करेंगे, फर्स्ट में फॉल्ट तक पहुँचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमें बैटरी चेक करना होगा, कूलेंट चेक करना होगा और इंजन का ऑयल लेवल चेक करना होगा। तो फर्स्ट में ऑयल का लेवल चेक करते हैं। ऑयल भी है, पूरा है, थोड़ा सा कम है, मान लो आधा लीटर के करीब ऑयल कम है। ठीक है, कूलेंट नहीं है इसमें, तो कूलेंट हम फिल करेंगे, देखेंगे कितना कूलेंट है। और चूंकि यहाँ से दिख भी रहा है, आप देख सकते हैं रेड रेड कलर का पूरा हो रखा है। ये कूलेंट का ये है कि ये गाड़ी, ये देखो कूलेंट, तो देख सकते हैं पूरा ऐसा कूलेंट बिखरा पड़ा है। इसका मतलब ये गाड़ी का कूलेंट बाहर निकल गया, कोई पाइप वाइप या कुछ भी फटा जरूर है इस गाड़ी का, जब भी कूलेंट बाहर निकला। और रीज़न ये भी हो सकता है, तो अभी फ़िलहाल हम पानी फिल करेंगे इसमें कि कितना आ रहा है पानी, हो सकता है कारण ये हो। ठीक है, मैंने पानी पूरा किया इसका और देख सकते हैं पानी का लेवल कैसे नीचे जा रहा है, इसका मतलब लीकेज है कहीं ना कहीं से। ठीक है, पानी का लेवल नीचे जा रहा है इसलिए लीकेज है कहीं ना कहीं, तो हमें लीकेज टेस्ट करना पड़ेगा। उससे पहले ये जो ना कवर उतारना पड़ेगा बाहर। अभी हम लोग टेस्ट करेंगे, वो हो यहाँ से लीकेज है, ये पानी की लीकेज देख सकते हैं, पानी की लीकेज अभी भी हो रही है कंटिन्यू। या तो पाइप फट गया ये, हाँ पाइप भी फटा है, हाँ पाइप फट गया, ये रहा पाइप फट गया। यहाँ से चलो पाइप फट गया, कोई दिक्कत नहीं है, पाइप डाल देंगे। लेकिन अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी सबसे पहले इंडिकेशन सारे चेक करना पड़ेगा कि सारे इंडिकेशन आ रहे कि नहीं। चेक लाइट भी आ रहा है, देख रहे हैं जैसे सेल्फ लगा रहे हैं क्या हो रहा है, टक टक कर रहा है और सारी लाइटें चली जा रही है। ये तो खैर बैटरी डाउन है इसकी, तभी हम बैटरी दूसरी बैटरी से टो करेंगे इसको। तो सेल्फ ले नहीं रही है, दूसरी बैटरी टो करने के बाद भी सेल्फ नहीं ले रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंजन ही घुमा के चेक करना पड़ेगा, इंजन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। ठीक है, फर्स्ट में इंजन को ही चेक कर लेते हैं, बाद में ये सब बाकी चीज़ें चेक करेंगे, पहले इंजन का ही चेक कर लेते हैं, इंजन जाम तो नहीं हो गया कभी। मैंने लड़के को नीचे लटवा रखा है, ठीक है, और अभी इंजन को घुमावेंगे। आप टामी देख सकते हो, वो गोटी लग रही है, चल घुमा भी, चल चल, जाम हो गया ना, चल चल क्या हो रहा है, हैं बहुत जाम है, हैं चल जाम बहुत है तभी तो खोल रहे हैं, जाम नहीं होता तो फिर इतनी दूर गाड़ी खींच के कैसे आती भाई। अब जाम हो गया। कोई बात नहीं, जाम हो गया तो पकड़ कर लिए इंजन के अंदर, चाहे बिगन पकड़ कर लिया हो या पिस्टन सीज हो गया हो, तो ये कहानी है, जाम है इंजन, इसलिए सेल्फ नहीं ले सकता, क्योंकि सेल्फ में इतना पावर नहीं होता है कि जाम को भी घुमा दे। इंजन फ्री हो तो घुमाता है, जाम हो तो नहीं घुमा पाता है। तभी पूरा इंजन हम खुलवाने वाले हैं, और चाहे क्रैंक हो या पिस्टन हो, दो चीज़ें हैं जो सीज हो चुकी हैं इसके अंदर, तो जिसकी वजह से ये जाम है। और चूँकि ठंडा है इसलिए घूम भी रहा थोड़ा बहुत, अभी थोड़ा सा गाड़ी गर्म हो जाती ना तो बिल्कुल नहीं घूमती हो, बिल्कुल सीज हो जाती, ऐसा लगता है घूम ही ना रहा, जाम। तो पूरा इंजन हम खुलवाने वाले हैं, देख लो यही वाला इंजन है,
तो इसका आज ऑपरेशन करने वाले हैं टोटल ए टू जेड, ठीक है। होल्ड तो मिल गया कि इंजन जाम है इसका, तभी उसको हम लोग करने वाले हैं कम्प्लीटली। देखते हैं कहाँ फॉल्ट निकलता है। इंजन का कंडीशन भी देख लो, ये कितना डस्टी इंजन है, क्योंकि इसे हमें बनाना पड़ेगा बहुत ही ज़बरदस्त। आप पाइपों का ही देख लो कितनी मिट्टी और बहुत ज़्यादा कचरा, तो इस डस्ट को हम लोग बना देंगे बिल्कुल चकाचक। अभी इधर से टर्बो वर्बो खोल दी मैंने, टैपिट कवर खोल दिया, साइड फिटिंग इधर से सारी खोल दी, अभी हेड को कंप्लीट बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हेड उतर गया, साइड में रखवाओ इधर हेड को। चलो साबस, बहुत बढ़िया। क्या कंडीशन है अंदर की कंडीशन, क्या स्थिति हुई पड़ी है। इतना जबरदस्त चूड़ा, पिस्टन का चूड़ा बन गया भाई, दुनिया देखे। एक पीस निकाल टॉफी की तरह, ये पिस्टन का चूड़ा बन गया, ये देखो। गैसकेट निकालो भाई। और मुझे डाउट हो रहा था कि कहानी कुछ बड़ी हो सकती है इसके अंदर, इसलिए मैंने सबसे पहले हेड खुलवाया था। आपको बता रहा था ना कि इंजन जाम हो चुका है, इंजन घूम तो रहा था लेकिन इतना ज़्यादा चूड़ा होना मेरे को आइडिया नहीं था। इतना हाई टेम्परेचर पे गला है कि पिस्टन ख़त्म हो गया, देख लो। तो अभी तो फॉल्ट दिख गया, क्योंकि एक नंबर पिस्टन बस यही सही सलामत है, बाकी ये भी खराब है, ये भी खराब है, और ये तो चूरा बन गया पिस्टनों का, देख सकते हैं। ठीक है, तो खोल के देखता हूँ मैं और क्या क्या चीज़ की कमी है इसके अंदर, पूरा बखेरता हूँ और एक बार हेड चेक कर लेते हैं। हेड की कंडीशन, तो एक नंबर सिलेंडर है, ये दो नंबर, ये तीन नंबर और ये चार नंबर, तो चूरा तो इसका ही बना हुआ था, ये चार नंबर का ये, और मुझे लग रहा है कि इसका सीट भी ख़त्म ही हो गया, पता नहीं कैसे होगा ये काम। अभी मेरे को कुछ पता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी मैं इसे साफ सुफ करूंगा तो देखूंगा क्या कंडीशन है हेड की, क्योंकि ये इतना हीट हुआ है कि पिस्टन पिघल के और ये सिस्टम को पूरा ख़राब कर दिया है। तभी इसको भी मैं पूरा सफाई सफाई करके देखूंगा, अभी चेक करूंगा क्या क्या कहानी है। एक चीज़ है भाई, यदि कोई कंपनी का मेंबर देख रहा हो तो उससे रिक्वेस्ट है भाई, एक सिस्टम इसमें ऐसा लगाओ ना कि गाड़ी ओवर हीट हो तो कम से कम इंजन तो बंद हो जाए मेरे भाई। कई गाड़ियों में है सिस्टम, इसमें नहीं है। यदि ऐसा सिस्टम होता तो शायद ये चूरा नहीं बनता पिस्टन का। मालूम क्यों चूरा बना है? देखो, कूलेंट का टेम्परेचर तभी बताएगा जब गाड़ी के कूलेंट होंगे उसके अंदर, कुछ ना कुछ लेवल पे कूलेंट होगा। कई बार होता है कूलेंट लीक कर जाता है, इसलिए मीटर में भी शो नहीं करता। इसके मीटर पे शो नहीं किया था हीटिंग का, ओवर हीटिंग का, कहीं कुछ नहीं। इन्होंने तो बस बाहर से खाली छींटे देखे थे, बस थोड़ा बहुत, शो ही नहीं किया था बिल्कुल ही। और गाड़ी चलने को बिल्कुल सना, बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। तो इंडिकेट ही नहीं करेगा तो कैसे कस्टमर को पता पड़ेगा कि यार ये इसमें कमी है इतनी बड़ी। जितने टेम्परेचर पे ये पिस्टन गला है ना, उतना टेम्परेचर तो इसका ब्लॉक का भी हुआ होगा ना। तो ऐसा कोई सिस्टम ये लोग लगावे जिससे ब्लॉक का टेम्परेचर से गाड़ी बंद होने के चांसेज हों ज़्यादा। बताओ यार, इतना हाई टेम्परेचर हुआ कि ब्लॉक तक भी गल गया है, तो कितनी वो उसकी बात है। कस्टमर को कैसे मालूम पड़ेगा कि यार हमारी गाड़ी हीट हो रही है, जब शो करेगा, जब भी तो शो ही नहीं किया। और सिस्टम में कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, देखना सब सिस्टम ओके है, खाली पानी की वजह से वो शो नहीं करता है। पानी कूलेंट लीक कर जाता है, वो शो ही नहीं करता है टेम्परेचर स्विच, तो सिर्फ उसकी कमी होती है। तो इसलिए डैशबोर्ड मीटर में नहीं आती है। कोई हाईवे पर चल रहा हो ऐसे कंडीशन में तो फिर नहीं पता पड़ पाती है, और ऐसे में चांस रहेगा ऐसे पिस्टन फटने का, ठीक है। तो अभी इंजन मैंने निकाल दिया है टोटली। अब फॉल्ट आपको दिखाया था कि पाइप फट गया था उसका कूलेंट का, तब फॉल्ट तो समझ गया कि कूलेंट लीक कर गया, इसकी वजह से इंजन सीज हो गया। इसको बोलते हैं पिस्टन निकल के हाथ में आ जाना, ऐसे भड़ाभड़ और ज्यादा कंटिन्यू इंजन चलाने से एक कंडीशन होता है, यदि गाड़ी हीट हो गई इस कंडीशन में पिस्टन निकल जाते हैं। अब कोई पहचानेगा ये पिस्टन है? रिंगों का रिंग देखो, ये रिंग कैसे निकले, चूरा बन गया पिस्टनों का, ये देखो ये पिस्टन है।
देख रहे हो क्या कंडीशन हुई पड़ी है। तो एक क्लियर आ रहा कि नहीं तेरा? हाँ ठीक है, तो अभी इसको पूरा बखेर रहे हैं और देख रहे हैं कि और क्या क्या चीजें नुकसान हुई है। और एक बार गाड़ी हीट हो जाए तगड़ा करके, तो चाहे डीजल हो या पेट्रोल, चाहे कितनी भी हाईवी गाड़ी हो, ऐसे नाश हो जाता है पिस्टनों का, ऐसा टूट के निकल जाता है। तो अभी देख सकते हैं मैंने पिस्टन निकाले हैं और कितनी मशक्कत करने के बाद ये पिस्टन निकला है बाहर। और साइज देख सकते हैं पूरा 1 इंची छोटा पड़ गया है। क्यों गला, गलने का कारण क्या है, इसी के बारे में मेरे को ये सारी वीडियो थी कि आखिर ये पिस्टन गला क्यों, हमने कहां माइंड नहीं किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। देख सकते हैं पिस्टन पूरा झड़ गया, ऊपर से खत्म हो गया और टॉप इसका टापा ही उड़ गया पूरा, पता ही नहीं चला चूड़ा बन के कहां खत्म हो गया। गाड़ी में कभी भी एक बार हीट होती है गाड़ी इंजन झेलता है, दो बार हीट होती है इंजन झेलता है, लेकिन बार बार हीट होना इंजन नहीं झेलेगा। आप एक बार लापरवाही करेंगे, कूलेंट लीक कर रहा है आप नहीं देखेंगे, चलाए जाएंगे पानी डाल डाल के, दूसरी बार लीक करेगा चलाए जाएंगे, बार बार कोई झेलेगा इंजन, एक बार सिर्फ झेलता है। और जब भी ये पिस्टन का कंडीशन होता है, मेरे पास केस बहुत आते रहते हैं ऐसा, ये कोई नया केस नहीं है। तो इस कंडीशन में कभी भी स्माइल करता है गाड़ी के अंदर, पहले गर्माहट का इंजन गर्म होता है ना, उसकी स्माइल आ जाती है तुरंत, आया भी होगा लेकिन ये माइंड नहीं करेंगे ना, तो ये पिस्टनों का हाल हो जाएगा, पूरा इंजन ही खत्म है मामला। देखो, और क्योंकि ये सिंगल पिस्टन नहीं है, ये दोनों पिस्टन है, गाड़ी हीट हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, आप सबसे पहले उसको करवाओ। गाड़ी को लगातार 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक मत खींचो गाड़ी को। आपने 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो सिर्फ ऐसे कंडीशन होता है, जो कंडीशन अभी हो रहा है, ऐसे पिस्टन फटने का चांस होते हैं ज्यादा चलाने से। कंटिन्यू गाड़ी चलाई जा रहा भाई, ऑयल का भी तो कुछ टेम्परेचर होता है, कितना पानी टेम्परेचर मेंटेन करेगा, नहीं मेंटेन कर पाएगा, इसलिए कंडीशन होती है। एक भी पाइप फटा खेल खत्म है फिर उस कंडीशन में, आपने माइंड नहीं किया। अभी क्रैंक निकाला है और इसके दो नोजल टूटे हुए निकले हैं, एक दो नोजल, और बाकी अभी बखेरी रहा हूँ और देख लूँ क्या क्या पंगा हो सकता है इसमें। अभी फिट कर दिया इसको, अब खराद पे भेज रहे हैं सारा, मेन बिगेन सीआर बूस्ट, कनेक्टिंग रोड चेंज होंगी, पिस्टन डलेंगे इसके अंदर, सारा ओवरऑल होगा इंजन। तो अभी खराद पे भेज रहे हैं और यही था प्रोसेस, अभी खोल ही रहे हैं। अब देख सकते हैं अभी एक इंजन तैयार कर दिया मैंने, इसको गाड़ी पे लगाएंगे, नाइट भी ज़्यादा हो गई। अभी एक इंजन वो खोल रहे हैं वहाँ, अभी कौन सा इंजनों का तो ऐसा मसला है कि एक खुल रहा है, एक तैयार हो रहा है, एक फिट हो रहा है, एक खुल रहा है, ऐसा मामला चल रहा है इस टाइम में। तो भाई मिलता हूँ नए वीडियो में, और इसका ओवरऑल का वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्दी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जब ओवरऑल कर दूँगा इसका, ठीक है? तो आप लोगों को पता पड़ जाएगा, नोटिफिकेशन बेल हिट कर लीजिएगा, पता पड़ जाएगा जब भी इसका इंजन ओवरऑल डालूँगा, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, ओके, थैंक यू।